हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड यू वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। ये थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो होने वाला है। हमने इसके अंदर एक इंटरव्यू लिया है ऑफ ए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हु हैव लाइक 28K फॉलोअर्स ऑन हिज पेज। ही इज ऑल्सो एन कार एंथुजियास्ट और उनका पेज भी इसी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, एज लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज वी कैन कॉल इट। It's about his life, how he manages all these things, and it's not like he's the only person. He have a team of 11 persons, and that's difficult. And he's just 18. Let's just see the video, and we'll catch you up later. सबसे पहले नाम बता दीजिए अपने ऑडियंस को। Hey guys, मेरा नाम हर्षुल शर्मा है, and मेरा पेज है on Instagram called Autogram07. जहाँ पे हम गाड़ियों की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स वगैरह डालते हैं और भी कई फन वगैरह हम करते रहते हैं। ओके, सो आपकी एज भी बता दीजिए साथ में। मैं भाई 18 इयर्स ओल्ड हूँ, थोड़े रिसेंटली 18 का हुआ हूँ, एंड बहुत सारे लोग इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि आई डोंट लुक 18 बट आई एम 18। ओके, सो एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। तो मैंने रिसेंटली 12th पास करी है इस ईयर में, और मैं अभी BBA फर्स्ट ईयर में हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। चंडीगढ़ में मैं पढ़ रहा हूँ, फ्रेजर वैली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे BBA फर्स्ट ईयर में अभी क्लासेस चल रही हैं। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये BBA की फुल फॉर्म। ये मतलब जो कोर्स है, ये जो अगर जैसे आप सबको बिजनेस में जाना है या मार्केटिंग में जाना है, कुछ मतलब ऐसे रिलेटेड हो जो बिजनेस काम होते हैं ना, ये पर्टिकुलर कोर्स होता है। जैसे BBA, उसके बाद MBA होती है, मास्टर्स, इन अगर आप ये दोनों करते हो तो आप बिजनेस अपना खुद का खोल सकते हो, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होती है। प्लस अगर आप कहीं और जॉब करना चाहते हो तो जॉब की आपको अंडरस्टैंडिंग बस मिलती है। और यही है। सो आपने इंस्टाग्राम फर्स्ट टाइम कब यूज किया था, उसके बारे में बताइए। तो इंस्टाग्राम तो काफी साल पहले, मतलब 2013 या 2014 में, जब मतलब फोन वगैरह दिए फैमिली ने, तब चलाना शुरू किया था। तो एज जैसे नॉर्मल वैसे इंस्टाग्राम चलाते वैसे ही शुरू किया था। तो आफ्टर दैट 2018 में आई हैव डिसाइडेड टू ओपन अ पेज कॉल्ड Autogram07। पहले Autogram30 था नाम। तो वो मैंने ज्यादा चलाया नहीं, 2018 के स्टार्टिंग में खोला था, जैन के आसपास, तो मैंने उसको ज्यादा चलाया नहीं, और वो इनिशियली मैंने बाद में डिलीट कर दिया। उसके बाद मेरा एक बंदे से कांटेक्ट हुआ जो कि एक मैनेजर था इंस्टाग्राम वर्ल्ड की, जो बड़े पेजेस हैं वहाँ पे मैनेज करते हैं। तो ही ऑफर्ड मी कि तू भी सीख ले, तो कुछ फ्यूचर में तो मैनेजर बन सकता है कोई बड़े इन्फ्लुएंसर्स का। तो मैंने वो सीखा। उसके बाद जब मैंने उसको सीखा तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो गए कि आप हमारा पेज हैंडल करो, इस पेज में 10-15 पेज आ गए ऐसे। तो देन टीम भी बढ़ती गई। उसके बाद 20 जून में मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट Autogram ऑल ओवर अगेन। तो मैंने Autogram07 करके फिर से पेज बनाया गाड़ियों के रिलेटेड। हम सिर्फ गाड़ियों के रिलेटेड नहीं डालते कंटेंट, हमारी जो बाकी टीम है दे वर्क फॉर सम अदर इन्फ्लुएंसर्स। काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हम मैनेज करते हैं, कोई नाम नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ सम लीगल डॉक्यूमेंटेशन, बट यही है। स्कूल में होंगे तो आपके फ्रेंड्स का, मतलब आपको फ्रेंड्स को तो बताया होगा, तो आपके फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था, मतलब क्या मैंने इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था पेज, तो मैंने किसी को बताया नहीं था। मेरे घर वालों को पता था, मेरे कजन्स को पता था कि मैंने पेज स्टार्ट किया। तो मैंने उनको कभी नहीं बताया अपने फ्रेंड्स को कि मेरे को गाड़ियों में इंटरेस्ट है। तो आफ्टर दैट जब थोड़ा पेज बड़ा हुआ, तो एक दिन मेरे किसी फ्रेंड ने देख लिया, क्योंकि मैंने IGTV जैसे डालते रहते हैं, तब ये बात मेरे फ्रेंड ग्रुप सर्कल में फैल गई कि हर्षुल का पेज है ऐसे। तो देन उन्होंने अप्रिशिएट ही किया, मतलब जहाँ जिसको पता लगा उन्होंने अप्रिशिएट ही किया, क्योंकि मतलब नॉलेज जो बचपन से जो शौक है उसी में काम कर रहे हैं, तो सब अप्रिशिएट ही कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था उस टाइम कि ये चलेगा भी नहीं चलेगा, ऐसे मजाक ना बन के रह जाऊं। तो मतलब कोई भी चीज अगर करनी हो तो एक एज अ एक्सपेरिमेंट ही स्टार्ट करनी पड़ती है ना। तो एज ए मैंने एक्सपेरिमेंट ही स्टार्ट किया था, तो मैंने किसी को बताया नहीं था फर्स्ट फॉर लाइक 8-9 months। मैंने किसी को नहीं बताया था। वो बाद में जब इनिशियली जब मेरा पेज बहुत जल्दी ग्रो होना शुरू हो गया, फॉलोअर्स आने, लाइक्स आने शुरू हो गए, तो किसी मेरे फ्रेंड ने उसको देख लिया, तो उसने बस बात फैला दी। वैसे मैंने किसी को नहीं बताया था अपने पेज के बारे में।
अच्छा ठीक है, तो ये देखा आपने वो एक स्क्रीनशॉट डाला था कि उसमें आपके काम मतलब आपके एक किसी नोट्स में लिख के रखे थे, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? मतलब आजकल वही एक बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन वाली बात होती है कि टाइम मैनेज कैसे करें, उसके बारे में बताइए देखो थोड़ा। मेरी जो रूटीन है, मैं हार्डली 9:30 के बाद जगह मैं रात को 9:30 के बाद मैं सो ही जाता हूँ, मुझसे नहीं उठा जाता। तो 9:30 10 बजे 10:15 के आसपास मैं सो जाता हूँ, ठीक है। लेट नाइट हम काम नहीं करते, ना हमारी टीम काम करती है। हमारे पास जो टाइम होता है सुबह आप लगा लीजिए 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होता है सब कुछ निपटाने का, और जो मेरे पर्सनल काम है उसको भी मेरे को 5 बजे से लेकर शाम के आठ सुबह 5 से लेकर शाम को 8 बजे सबको निपटाना पड़ता है। तो मैंने उसको उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने काम डिवाइड करता हूँ एक दिन में, वो मैं अपने अकॉर्डिंग ही करता हूँ कि एक दिन में मुझे इतना काम भी हो जाए और इतनी रेस्ट भी मिल जाए एक काम के अंडर। ऐसा ना हो कि एक मीटिंग मैंने यहाँ पे रखी है साथ में दूसरी शुरू हो गई। मैं मेक श्योर करता हूँ एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में 1-1.5 घंटे का गैप हो, ताकि मैं अपना माइंड वगैरह सबको रिलैक्स कर सकूँ। तो बस ये टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक है, अगर सीख लो तो जिंदगी मतलब एकदम फ्लो से चलती है। अभी आपने बताया तो उस हिसाब से मतलब टिप्स क्या देना चाहेंगे आप? एक से यही है कि सबसे पहले अपने काम डिवाइड करो। रात को जैसे बैठते हो तो कई बार ऐसा होता है टीवी वगैरह देख रहे हो कुछ नहीं कर रहे, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो और अपना टाइम टेबल बनाओ कि सुबह इतने बजे मैं उठूंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे वो करूंगा। बस अगर आप 20-21 मतलब 1 महीना ऐसे रेगुलर करते रहोगे फिर आपको आदत पड़ जाएगी। अच्छा तो बस ये आदत डालने की बात है और कुछ नहीं। हाँ ठीक है। स्टार्ट किया था तो मैं भी खुद कहता हूँ कि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी आज है। मैंने बाय द टाइम सीखा है, 1-1.5 साल में जो मैंने सीखा है गाड़ियों के बारे में मुझे कभी नहीं पता था, कई सारी चीजें सीखी। और मतलब टाइम के साथ आदमी सीखता है और बस यही है। हाँ मतलब इंटरेस्ट हो तो वो ज्यादा तेजी से सीखता है, इसके हाँ बारे में यही तो है, पता इंटरेस्ट की वजह से वो ज्यादा स्पीड हो जाती है हाँ दिमाग की देर सीखने हाँ की। यूट्यूबर बोले या फिर कोई भी मतलब पेज खोल रहा है तो उसके मन में सब सारी चीजें चलती रहती है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? न्यू स्टार्टअप्स जो है है क्या न्यू उनको बी यही कहना चाहिए, जो भी स्टार्टअप्स हैं। सबसे पहले जब मैंने स्टार्टअप किया था मेरे को खुद है एक्सपीरियंस, क्योंकि सोर्स का नहीं पता होता, कुछ समझ नहीं आ रही होती कि कैसे करना है, क्योंकि सब कुछ नया होता है। एक मतलब गाइड इन्फॉर्मेशन नहीं देना रहता लोगों को, है। हाँ, तो वो बहुत मतलब डिफिकल्ट एक मतलब उस टाइम होता है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो मतलब स्ट्रेस टाइप हो जाता है कि क्या करें, और डर पोस्ट डालने में भी डर लगता है। मेरा तो सबको यही एडवाइस है कि अगर आप शुरू कर रहे हो तो बिना मतलब सबकी सोचे, बिना कुछ मतलब ध्यान ही देना, बस अपना काम करो, पोस्ट करते जाओ, रेगुलर पोस्ट करो, इन फ्यूचर बहुत आगे मतलब इम्प्रूव हो सकते हो आप। बाय द टाइम इम्प्रूव हो गए, फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, मैटर जो करता है आपका कंटेंट करता है कि आप किस टाइप का कंटेंट डाल रहे हो। अगर आप कोई भी जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो फालतू की चीजें डालते हैं और लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप क्वालिटी कंटेंट डालोगे तो लोगों को यहाँ पे हाँ आपके समझ पेज देख के पता लगेगा बंदे को कुछ नॉलेज है, तो हमें इसे फॉलो करना चाहिए। तो क्वालिटी कंटेंट डालो और डेली डालो, और छोड़ना मत जब तक सक्सेस नहीं मतलब पा लेते, जो भी आपका गोल होगा वो नहीं पा लेते तब तक मत छोड़ना, बस यही। आप अपने टीम को अगले 5 या 6 सालों में, 5-10 सालों में कहाँ देखते हो? मतलब वेयर डू यू सी योर टीम नेक्स्ट 10 इयर्स? फ्रॉम लास्ट ईयर एंड टू जो 2018 लास्ट में हमने स्टार्ट किया था दिसंबर में, तो वहां से तो अभी तक हम बहुत मतलब बड़ी जर्नी हमने कवर किया है। मतलब बहुत सारे मेंबर्स नए जुड़े, बहुत सारे नए लोग आए टीम में, और सम ऑफ देम वर्क फॉर फ्री, उनका पैशन है, भाइयों जैसे हम सभी, तो सभी बहुत सपोर्टिव है, सभी बहुत पैशनेट है टूवर्ड्स देयर वर्क। और मुझे ये क्या लगता है कि जैसे हम अभी जा रहे हैं टू इन लाइक नेक्स्ट 5 और 6 इयर्स मे बी एक हम बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मे बी नहीं भी कर सकते हैं अगर कुछ पंगा वगैरह जैसे हो जाता है। बट मुझे जिस हिसाब से लगता है, जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, वी विल मेक अ गुड एंड बिग कंपनी इन अपकमिंग ईयर्स। ओके सो ये आपका एक अल्टीमेट गोल हम बोल सकते हैं इस चीज को हाँ, आपका। गोल है, गोल है। कितने मेंबर्स हैं आपकी टीम में? मतलब तो जो मेन है सिर्फ मतलब जो मेन हमारा सारा काम देखते हैं वो 10-11 के आसपास, सिर्फ ये काम नहीं कर रहे हैं, हम और भी काम कर रहे हैं, और थोड़ा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं। सो हाँ ओके सो
आई वॉन्ट टू टेक यू इन द कंडीशन लाइक अगर अगर इफ इंस्टाग्राम वुड नॉट बी इन योर लाइफ तो क्या होता तो कुछ और कर लेते इंस्टाग्राम अगर नहीं होता कुछ और कुछ और कर लेते बस बट रिलेटेड यूट्यूब कर लेते यूट्यूब ही होता तो हाँ कोई और फील्ड का कर लेते हैं या जो बीबीए कर रहे हैं बीबीए में भी काम कर लेते हैं बस यही है टेंशन के लेने किस बात की सो बेसिकली दिस वाज पार्ट वन इसके बाद सेकंड पार्ट भी है देख लो ज़रा नीचे जाके और लाइक और शेयर भी कर देना हो सके तो